हेलो दोस्तों, हरी स्पोर्ट्स के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, आज आपको मैं बता रहा हूँ बाबर आजम के बारे में। उन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दे चुका है जो कि तेंदुलकर और कोहली भी नहीं कर सके थे। जोहान्सबर्ग में जारी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज़ में कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के फास्ट बाउलर डेल स्टेन के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा चौके लगाने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। 24 साल बाबर आजम अब तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के दौरान जनूबी अफ्रीका के कामयाब तरीन टेस्ट फास्ट बाउलर डेल स्टेन को 21 चौके लगा चुके हैं, जो कि किसी भी बल्लेबाज की जानब से 35 साल जनूबी अफ्रीकी फास्ट बाउलर को लगाए जाने वाले चौकों में सबसे बड़ी तादाद है। उन्होंने अब तक डेल स्टेन के खिलाफ 78 गेंदों पर 92 रन स्कोर किए हैं। बाबर आजम से कबल ये रिकॉर्ड साबिक बरतानवी कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस के पास था, जिन्होंने 2004-05 की टेस्ट सीरीज़ में डेल स्टेन को 19 चौके लगाए थे और अब बाबर आजम ने 21 चौके लगाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साबिक श्रीलंकन कप्तान कुमार संगाकारा ने 2006 में डेल स्टेन को टेस्ट सीरीज़ के अंदर 16 चौके रिसीव किए थे। इससे कबल सेंचुरियन टेस्ट के पहले रोज़ बाबर आजम ने उमदा बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 21 रन की बारी खेली, जिसमें 15 चौके शामिल थे। बाबर आजम ने प्रोटीज फास्ट बॉलर डेल स्टेन को अपनी इनिंग के दौरान 10 चौके भी लगाए, जो कि किसी भी बल्लेबाज की जानब से डेल स्टेन के खिलाफ एक इनिंग में लगाए गए दूसरे ज़्यादा चौके हैं। डेल स्टेन के खिलाफ एक टेस्ट इनिंग में ज़्यादा चौके लगाने का एजाज़ साबिक बरतानवी बल्लेबाज कैमन पीटरसन के पास है, जिन्होंने 2012 में एक टेस्ट के दौरान अपनी 149 रन की इनिंग के दौरान डेल स्टेन को 12 चौके लगाए थे। और श्रीलंकन बल्लेबाज कुमार संगाकारा 2006 में अपनी 287 रन की बारी के दौरान स्टेन को 9 चौके लगा चुके हैं। तो ये था बाबर आजम का वो कारनामा जो उन्होंने सर अंजाम दिया है और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।